नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रीकांत कुमार, आप देख रहे टू जेड प्रोसेस। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में दोस्तों, अगर आप आधार सेंटर खोलना चाहते हैं या फिर अगर आप आधार ऑपरेटर का काम करना चाहते हैं तो स्किल इंडिया के द्वारा एक नया पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसे आप सभी को रजिस्ट्रेशन करना होगा ऑनलाइन। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या इसका प्रोसेस है, कैसे हम आधार सेंटर को खोल सकते हैं, कैसे आधार ऑपरेटर का काम कर सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम कंप्लीट बताने वाले हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले स्किल इंडिया डिजिटल के ऑफिशियल पोर्टल पे चले आना है। इस पोर्टल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वेलकम टू आधार ट्रेनिंग टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन पोर्टल, यानी कहने का मतलब यही है कि अगर आप आधार सेंटर खोलना चाहते हैं या फिर आप आधार ऑपरेटर का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि आधार कार्ड कैसे बनाया जाता है, आधार अपडेट कैसे किया जाता है, क्या इसका प्रोसेस है। आधार रिलेटेड जो है कि आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। जैसे आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है वैसे दोस्तों आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट के मदद से आप जो है कि आधार सेंटर खोल सकते हैं, आधार ऑपरेटर का काम कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे दिख जाता है रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार का एक नोटिफिकेशन यहाँ पे ओपन हो जाता है। इस नोटिफिकेशन में सब कुछ डिटेल्स में बताया गया है, कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, सब कुछ दोस्तों यहाँ पे जो है कि पूरी डिटेल्स में बताया गया है। तो यहाँ पर आकर सही तरीके से इस नोटिफिकेशन को रीडिंग कर लेना है अगर आप आधार सेंटर खोलना चाहते हैं या फिर अगर आप आधार ऑपरेटर का काम करना चाहते हैं। आपका एज कितना होना चाहिए, सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स में बताया गया है। और दोस्तों इस ट्रेनिंग का कोर्स जो है कि 6 मंथ का होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आकर सही तरीके से रीडिंग कर लेना है। रीडिंग करने के बाद दोस्तों यहाँ पे दिख जाता है नेक्स्ट, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इस प्रकार का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है, UIDI कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो इस फॉर्म को सही तरीके से फिलअप करना है। तो इस फॉर्म में सबसे पहले यहाँ पे अपना बेसिक डिटेल्स को फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपना फुल नेम को टाइप करना है, फादर्स नेम को टाइप करना है, डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है, जेंडर को सिलेक्ट करना है, कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। इस बॉक्स में ईमेल आईडी को टाइप करना है। यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर को टाइप करना है। वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP को सेंड किया जाता है, OTP को फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले अपना एजुकेशनल को सिलेक्ट करना है, कितना आप पढ़े लिखे हुए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है जिसका साइज यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे अपना रेसिडेंशियल एड्रेस को आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहले अपना फुल एड्रेस को फिलअप करना है, पिन कोड को टाइप करना है, स्टेट का नाम को सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट के नेम को सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अपना KYC वेरीफिकेशन करना होगा। तो यहाँ पे अपना आधार नंबर को टाइप करना है, वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर एक OTP को सेंड किया जाता है, OTP को फिलअप करना है। उसके बाद दोस्तों आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे देखिए कुछ नोट में करके बताया गया है। तो यहाँ पर आकर सही तरीके से रीडिंग कर लेना है। उसके बाद इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करना है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ऑथोराइजेशन लेटर को आपको अपलोड करना है। अपलोड कैसे आपको करना है, कैसे डाउनलोड करना है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए डाउनलोड के ऑप्शन दिया गया है। डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए एक फॉर्म डाउनलोड हो जाता है। अब इस फॉर्म में कुछ अपना डिटेल्स को फिलअप करना है और इस फॉर्म को सबसे पहले जो है कि आपको साइनेचर मुहर करवाना होगा। यहाँ पे अपना फोटो को चिपकाना होगा, इसके ऊपर आपको साइनेचर करवाना होगा। किन से करवाना है, चलिए वो चीज़ को सबसे पहले यहाँ पर हम क्लियर करते हैं। तो जिस कंपनी के थ्रू से अगर आप आधार सेंटर खोलना चाहते हैं उनसे आपको जो है कि यहाँ पे साइनेचर मुहर को करवाना होगा। अगर आप CSE के थ्रू से आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों अपना डिस्ट्रिक्ट में DM से, यानी जो CSE का DM होते हैं, उनसे यहाँ पे जो है कि साइनेचर मुहर को करवा लेना है। उसके बाद दोस्तों ये जो है कि कम्प्लीट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों इस फॉर्म को सबसे पहले आपको यहाँ पर अपलोड करना है जिसका साइज यहाँ पर बताया गया है।
उसके बाद इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे दिख जाता है एक बॉक्स, इस बॉक्स पे टिक आउट करना है और यहाँ पे भी दिख जाता है एक बॉक्स, इस बॉक्स पे टिक आउट करना है और यहाँ पे दिख जाता है सबमिट के ऑप्शन। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है और आपको एक आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाता है, आपके मोबाइल नंबर पे भी सेंड कर दिया जाता है और यहाँ पे आपको डिस्प्ले में भी यहाँ पे शो हो जाता है। आईडी पासवर्ड मिलने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिख जाता है लॉगिन, लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे अपना यूजर और पासवर्ड को टाइप करके लॉगिन कर लेना है और दोस्तों लॉगिन करने के बाद भी आपको 5 स्टेप को आपको कंप्लीट करना है, अपना पर्सनल डिटेल्स को फिलअप करना है, ये सब आपको वहां पे आपको फिलअप करना है और उसके बाद दोस्तों सबसे लास्ट में आपको कुछ पेमेंट करना होगा, यानी ट्रेनिंग लेने के लिए आपको पेमेंट करना होगा। और दोस्तों अभी अगर आप फिलहाल में पेमेंट करते हैं तो दोस्तों ये अभी नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, अभी पेमेंट के जगह पे दोस्तों सून आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप जो है कि पेमेंट यहां से आपको कर देना है, जैसे आपका पेमेंट हो जाता है तो आपको फिर ट्रेनिंग दिया जाएगा, सिखाया जाएगा कि आधार कार्ड कैसे बनाया जाता है, आधार कार्ड अपडेट कैसे किया जाता है, क्या इसका प्रोसेस है, सब कुछ आधार रिलेटेड जो है कि आपको बताया जाएगा। जैसे आपका ट्रेनिंग कम्प्लीट हो जाता है वैसे आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उस सर्टिफिकेट के मदद से आप जो है कि आधार सेंटर भी खोल सकते हैं और आधार ऑपरेटर का भी काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है कि रजिस्ट्रेशन करके आप ट्रेनिंग ले सकते हैं।